हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ मिल रही हूँ और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। एंड ईद का दिन है, सुबह सुबह मैं देखिए मेहंदी दिखा रही हूँ। रात में मैंने मेहंदी पहना था तो दिखा रहे, और सुबह जल्दी जल्दी उठ गया हम लोग और सुबह आया मॉर्निंग में आया किचन में, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम है, रेडी करना है, खाना बनाना है, बिरयानी। तो ईद का दिन ऐसे होता है, मेरा शुरुआत सुबह से मैं सेवई जो स्वीट होता है वो बनाएंगे, लच्छा। तो अब आज स्वीट का दिन है, सुबह सुबह हम लोग मीठा खाएंगे, इसीलिए मैंने लच्छा को ठीक करके रखा, इधर दूध उबालने के लिए बैठा दिया। लौंग इलायची के दालचीनी के साथ मैंने सेवई बनाएंगे और इधर ड्राई फ्रूट काट कर रहे। और देखिए 8-10 बज रहे, तो हम दोनों मिलकर थोड़ा सा समय बना के हम लोग खा लिए ऑलरेडी, और ज़्यादा बनाएंगे सबके लिए, इसीलिए ईद में मैंने ज़्यादा खाना बनाती हूँ सबको, थोड़ा थोड़ा करके मीठा मुँह मीठा करती हूँ। इसीलिए ऑलमोस्ट 8:30 बाद की जल्दी जल्दी खाना बनाना हो रहा है। मैं इधर देखिए दूध का शीरा मैं बना लिया, शुगर ऐड कर दिया मैंने दूध में, तो उसके बाद मैं जो लच्छा है ना उसमें हम जब उबाला जाए उसके बाद ये देखिए मैं रख देंगे। और इधर मटन लिया मैंने, मटन बिरयानी बनाएंगे, उसके लिए मैंने टोमेटो काट कर लेंगे। और इधर मैं बना रही हूँ काबुली जो चना होता है चिकपी, वो देखिए इधर मैंने सब मसाला ऐड करके भून लिया अच्छी तरह से, तो प्रॉपर नहीं देखा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वीडियो में है ऑलरेडी। और इधर एक साग में बनाएंगे बिरयानी, इसलिए मैंने प्याज खड़ा मसाला ऑयल के साथ फ्राई कर रही हूँ। और अब दे रही हूँ मैं टोमेटो, मैं कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत दिखाने के लिए क्योंकि ईद का दिन जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है। और देखिए मटन को क्लीन कर लिया मैंने अच्छी तरह से, उसके बाद जिंजर एंड गार्लिक मैं ऐड करेंगे, मैंने क्राश करा हुआ दे रही हूँ क्योंकि रात में ये सब रेडी करके रख दिया था। अब देखिए थोड़ा पानी ऐड करके मसाला को भून लेंगे। और मैंने ना ईद का दिन जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक साइड में हो रहे मेरे मटन और एक साइड में चिक भी ऑलरेडी काबुली चना रेडी होगी, देखिए कितना यामी एंड कलरफुल बना रहा है सुबह सुबह। और देखिए इधर सेवई भी मैंने ज़्यादा ही बना लिया क्योंकि स्वीट तो सबको मीठा करना है इसीलिए। और इधर देखिए मटन भुना कसा होगी ऑलरेडी, तो अभी मैंने पानी ऐड करके राइस से बिरयानी बना रही। इधर मैंने खड़ा जो है ना ड्राई फ्रूट उसको काट कर लिया, जब मैंने सेवई गार्निश कर देंगे उसके बाद गार्निश करेंगे खड़ा जो ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ग्रीन चिली भी बहुत सारे काट कर लिया मैंने बिरयानी में देने के लिए। और देखिए इधर बिरयानी दम पे मैंने दे दिया, ऑलमोस्ट हो गया डन। और 5 मिनट मैंने लीड बंद करके रख देंगे, फिर हो जाएगी। इधर देखिए ऑलमोस्ट मेरे सारे खाना बनाना रेडी होगी इधर। और अबू ने नमाज पढ़ के आया मस्जिद से जो ईद का मैदान से, तो अभी आनम को लेके गया, आनम रेडी होके नीन सूट के नहाके धो के रेडी को गया बाहर घूमने। और इधर मैंने रेडी कर लिया बिरयानी, देखिए कितना अच्छा से बिरयानी रेडी हो गई। मैंने इस तरह सर्व कर रही हूँ क्योंकि ईद का दिन मैंने इसी तरह सर्व करती हूँ हमेशा। और अनम भी घूम के आया बाहर से, और थोड़ा बहुत फिर हम लोग बाद में जाएंगे, देखते रहे आज का फुल ब्लॉग ईद का, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और देखिए मेरा घर आज थोड़ा बहुत मेसी मेसी करके मैंने सब हम लोग रेडी हुआ था, देखिए मेरा और अनम का आउटफिट ईद का सेम कलर मैंने पहन लिया, तो इसको पहन के मैं थोड़ा बहुत घूमेंगे। फिर दो आउटफिट लिया मैंने, वो भी ट्रायल करेंगे। तो देखिए ये वाला मैंने पाकिस्तानी सूट लिया था, तो ये बहुत अच्छी कलर मुझे अच्छा लगा था, मैंने ये भी पहन लिया। ये पहन के मैंने गांव पे जाएंगे, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, फिर मैंने ड्रेस चेंज करके ये वाला पहन लिया। हम लोग सब इधर का काम हो गया, हम लोग फिर रेडी होके निकल जा रहे गाँव के, हमारा जो घर होता है जो वहाँ पे, तो हम गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे सब सामान वगैरह ले लिया सबके लिए मुँह मीठा करने के लिए, क्योंकि ईद का दिन सबको मुँह मीठा करना मन करते इसीलिए। तो देखिए अनम तो वही ड्रेस पहनना है, और मेरा ड्रेस चेंज करके मैंने ये वाला जो सलवार सूट पहना था। तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग उठ गया फिर हम लोग जा रहे, तो चलो फिर हमारे साथ देखते रहिए। और
गाड़ी से मैं दिखा रही हूँ सबको मेरा मेहंदी का कलर कितना अच्छा हुआ, तो वही मैं देख रही हूँ और अनम भी देख रहे। तो फिर हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गया तो रोड में, फिर हम लोग एक जगह में उतर गया था दीदी का घर में, तो सब हमने सोचा तो एक बार उसके साथ मिल के जाए, रोड में ही है उसका घर। फिर हम लोग मिल लिया, थोड़ा बहुत मुँह मीठा भी किया फर्स्ट मिनट के लिए, जस्ट 5 मिनट के लिए हम लोग रुका, ज़्यादा सामान वगैरह लेके नहीं आया था। और देखिए अनम को रोड में क्या ना प्यासा भी लगा और बहुत ज़्यादा गर्मी था ईद का दिन, फिर उसको रोने लगा। फिर हम लोग पहुँच गया गाँव में घर में, तो देखिए अनम कितना खुश, उसका दीदी लोगों के साथ मिल के बहुत ज़्यादा अच्छी हैप्पी है, उसका ईद पूरा सक्सेस हो गया। जो मुंबई से आने के बाद गांव में जो ईद मनाया हम लोग, फिर वहाँ से हम लोग निकल गया मेरा मम्मी का घर में, तो अनम का दादू का घर से हम लोग बहुत टाइम उसके मिलने के बाद फिर हम लोग जा रहे माँ अनम का नानू का घर में। फिर देखिए ये वाला रोड में हम लोग जा रहे, आज हम लोग 2-3 घर घूमेंगे, उसके बाद फिर हम लोग घर इसी तरह घूमते रहेंगे सब जगह में। तो नानू का घर में आके फिर अनम खा रहे कुछ भी नहीं खा रहे सारा दिन, बार उसको बनाना खिला रहे पापा उसका। तो क्या है ना अनम को ईद में सब लोग, हम लोग तो खाना ज़्यादा खाते हैं लेकिन अनम कुछ भी नहीं खा रहे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाए और बनाना खिला रहे, कुछ चिकन मटन कुछ भी नहीं खा रहे। फिर देखिए हम लोग बहुत टाइम और वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं कि हमने 2-3 घंटा जस्ट मम्मी लोगों के साथ देखा करके फिर हम लोग निकाल गया वहाँ से खाना वगैरह खा के, क्योंकि ईद का फंक्शन भी देखना है, बहुत अच्छे से लाइट वगैरह किया फंक्शन किया, वो तो देखना बनता है। ईद का दिन एक जगह में मुझे रुकना ही नहीं है, अनम को सब जगह में घुमाना है दिखाना है। फिर हम लोग ईद का फंक्शन में देखने के लिए हम आया यहाँ पे दीदी का घर का बगल में, ईद का फंक्शन है तो ईद का फंक्शन हमारे लिए मेन होता है, तो हम वहाँ भी आया था। तो अनम देखी दीदी का घर में आते ही ट्रेडमिल कर रहे, तो मुझे बोल रहे मम्मा तुम भी करो, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ ट्रेडमिल, तो वो भी दिखा लिया ऑलरेडी, तो क्या करे फिर। तो मैंने फिर दोबारा ईद का जो पहले का वाला आउटफिट वो पहन लिया और अनम को भी ड्रेस चेंज कर दिया ईद का, उसका 2-3 तो ड्रेस होता ही है। फिर हम लोग दीदी का घर में खाना वगैरह खाया, फिर दीदी का जो है यहाँ जो मेरा भांजी वो है लाया लिया सबके साथ, हम लोग मिल रहे सब हाय कर रहे और सबके साथ बातें कर रहे इसी तरह। तो हम लोग दिखा रहे थे क्योंकि हम बहुत दिन बाद मिला, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थी हैप्पी थी और ईद का दिन ऐसे हम लोग हैप्पी रहते। और देखिए दीदी लोगों के साथ मिल के अनम कितना हैप्पी है, यह है लिया दीदी तो उनका घर में आके, तो यह है लाया दीदी, बहुत ही दोनों सिस्टर बहुत ही अच्छी है। तो हम लोग रेडी हो गया सब मिल के, हम लोग ईद का फंक्शन में जाएंगे, तो बोल रहे मेरा जो भांजी है ना सब लोगों के साथ बात कर रही, लेकिन बात में ना काट कर हो गया था, फिर बाद में मुझे वॉइस देना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। मैं मुझे रखना चाहिए था ये वाला वॉइस लेकिन मुझे पता नहीं था तो ये काट हो गया था। तो देखिए उन लोग बातें करते आप लोगों के साथ व्यूअर्स के साथ, फिर वो काट हो गया था, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन हम लोग मिलेंगे दोबारा, तो हम लोग देखिए कितना खुश थे, हम लोग बहुत दिन बाद मिला, तो अभी तो हम लोग रेडी हो गया था। फिर हम लोग जाएंगे ईद का जो फंक्शन होता है मेला, ईद मेला, तो वहाँ पे जाएंगे। और देखिए आनंद ट्रेडमिल से उतार नहीं जाते, तो इसी तरह उन लोग अनम को बहुत एक्सपर्ट बन गया, अनम देखिए कितना अच्छे से ट्रेडमिल कर रहे, इतना छोटा बच्चा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहे, इतना जाम भी कर रहे। तो इसी तरह है अनम को, हम लोग जब मुंबई में था ना वो अकेले अकेले ना बोरिंग फील कर रहे थे, जब यहाँ पे आया ना वो इतना खुश बस वो कोच बिहार में आने के बाद वो भूल गया सब कुछ क्या है, तो बहुत ज़्यादा खुश अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए हम लोग निकाल गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी रोड में, फिर भाई के साथ मेल दिखा हुआ था, फिर वो बातें कर रहे थे। और इधर देखिए अनम ये वाला आउटफिट पहन के घूमेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग वॉक करके जा रहे थे क्योंकि ईद का दिन हम लोग ज़्यादा एक जगह में नहीं रुका, गांव गया, गांव के से सब जगह में घूमने के बाद ये है लास्ट टाइम, जब रात का भी ये वीडियो जो रात में मेला रहते हो ईद का रोज जो रात है वही डे 1 हम लोग ईद का जो वीडियो है ना
वो प्रॉपर में बना रही थी, इसलिए सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों के साथ। देखिए, और हम अनम तो मेरा गोद में उठ ले ऑलरेडी, और इतना गर्मी था ना, अनम वॉक भी नहीं कर रहे, तो कोई जाने के बाद ना जब इसी तरह गर्मी रहती ना, अनम थोड़ा बहुत परेशान कर रहे थे कि छोटा बच्ची तो ऐसे होता है। और देखिए ईद का जो मेला होता है कितना अच्छे से लाइट किया, और हम लोग भी यहाँ पे आके फोटो वगैरह ले रहे थे, क्योंकि साल में एक बार ही होता है, तो ईद बहुत था 30 रोजा के बाद जो ईद होता है ना एक दिन, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का होता है, इसलिए सब लोग इसी तरह एंजॉय करते। तो फिर देखते रहिए, देखिए मेला एंजॉय कर लीजिए हमारे साथ। और मेला में जो योला जिग जग राइड्स आया था उसमें भी मेरा दीदी कलर की जो भांजी है ना लाइले उठ गया था, हम लोग देख रहे वीडियो बना रहे थे, और अनम ने पिकअप राइड किया तो बहुत इंजॉय किया। अनम ने फिर बोला था वो जंपिंग करेंगे, तो देखिए अनम कितना वो शांत होकर गोद में बैठा। तो अभी जो मेरा भांजी है ना लाले वो राइड करेंगे, फिनिश हो गया उसका राइड, फिर अनम आ गया ये वाला जंपिंग एरिया में। अनम फर्स्ट टाइम इस तरह का हैप्पीली जंपिंग कर रहे, क्या है ना कभी भी इस तरह का एक्ट नहीं करते, हम लोग सोचते अनम क्यों नहीं करते, लेकिन आज अनम ईद का दिन उसका पूरा पूरा घूम लिया, और कुछ भी उसको सब कुछ अच्छा लग रहे थे। और ये वाला एरिया ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहा था, और मेला के लिए सब लोग आ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहे थे, और हम लोग यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये वाला मेला बहुत बार आया था, हम लोग जस्ट अनम के लिए गया था उसको खुश देखने के लिए। तो देखिए अनम कितने हैप्पी, फिर दीदी को भी बुला लिया और दोनों मिल के भी ये वाला जंपिंग कर रहे थे, और अनम बहुत अच्छा से कर रहे थे, अकेले नहीं कर रहे थे। तो फाइनली वहाँ से अनम निकाल गया, फिर अब हम लोग जाएंगे जो है ना दही पूरी खाने के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे ना कुछ शॉप आया था बच्चे के लिए टॉयस वगैरह, तो इसलिए अनम 2-3 टॉयस ले लिया, और कुछ यहाँ पे यहाँ खरीदने की चीज़ नहीं है, तो फिर मैंने फ्लावर भी ले लिया, ये वाला आर्टिफिशियल प्लांट हो, तो अनम भी ले रहे टॉयस थे। और हम लोग अभी जा रहे दही फुचका, जो पानी पूरी हो दही पूरी होता है वो खाएंगे। और देखिए इधर जो मैंने लिया फ्लावर जो आर्टिफिशियल वो लिया, तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं दही फुचका कहाँ मिलेगा अच्छी वाला वो खाने के लिए। और इधर जो प्लान आर्टिफिशियल प्लान है ना वो बहुत अच्छा से मिल गया मेरा घर में रखने के लिए। और देखिए यहाँ पे आया हम लोग फाइनली दही पूरी खाने के लिए, लोग जो जिसका शॉप है दुकान है वो बोल रहे बहुत अच्छे से बनाता है, फिर हम लोग बोला आप बनाइए हम लोग दिखाएंगे बहुत अच्छे से बनाइए, हम लोग को खाना है तो यहाँ पे पापड़ी चाट दही फुचका ऐसे नॉर्मल पानी पूरी दही पूरी सब कुछ मिलता है, तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनाता है ये वाला, मैंने देख के मुझे पता चल गया। तो फाइनली हम लोगों को डिसाइड हो गया यहाँ पे खाएंगे क्योंकि ये अच्छी से बना रही थी। Thank you.
तो फाइनली हम लोग दही पूरी खा ली है, बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यामी था। तो अनम को हम लोग नॉर्मल दही पूरी पानी पूरी दिया था, वो नहीं खाया था। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में हम लोग उसको हवा कर रहे हाथों से, तो फाइनली हम लोग वॉक कर रहे उधर जाने के लिए, ज़्यादा लेट नहीं करना। तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट लेट हो गई थी। तो देखिए जाने हम लोग निकल गया मेला से, अभी पूरा रोड है ना लाइट करा हुआ, फिर हम लोग हाई रोड पार करके फिर इधर आया था। देखिए हम लोग जा रहे हैं, अभी रात बज रहे 10, तो हम लोग अभी फाइनली दीदी का घर से हम लोग जाएंगे हमारा खुद का घर में। तो ज़्यादा ये जो ईद का जो ब्लॉग वीडियो वो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्यूअर्स। और ईद का जो दूसरा दिन का ब्लॉग फिर नेक्स्ट डे आएगी, और ये वाला ब्लॉग तो इंजॉय कर लीजिए आप लोग, और कमेंट भी कीजिए अच्छा अच्छा और दीदी का जो घर है ना उसका बगले और एक भी फंक्शन तो हम लोग थोड़ा बहुत देख लिए। फिर उसका घर में आया हम लोग, दीदी ने हमारे लिए बिरयानी बनाया था तो वो भी हम लोग खा लिया रेडी। तो उसके बाद अनम थोड़ा बहुत खेल रहे थे, हम फिर चला आया घर में। तो देखिए अनम घर में आने के बाद तो इसको बर्थडे कर रहे थे, उसका जो बचपन का खाने का टेबल था उसमें। तो इधर हम लोग रेडी कर रहे सोने का इंतजाम, रात बज रहे 12:30, 1 तो बहुत रात हो गई ऑलरेडी, अनम भी नींद आया था। तो हम लोग रेडी हो के अनम को अभी सुलाएंगे और मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय व्यूअर्स, टेक केयर। तो व्यूअर चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी अनम को सुलाना है, बहुत रात हो गया था। तो अभी अनम सो जाएगी क्योंकि अनम तो जल्दी जल्दी सोना नहीं चाहते, फिर भी उसको सोना पड़ेगा। बाय।